हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल टिप्सी बॉम ट्रैवलर्स। मैं श्रेया और मैं आज आपको दिखाऊंगी द कैपिटल ऑफ गोवा पैंजिम को। पैंजिम एक बहुत ही छोटी सी जगह है, मोस्टली द कॉलोनियल एरा ऑफ पोर्तुगीज स्टाइल विलास और ब्यूटीफुल लेन्स, और यहाँ की वाइब्स कुछ अलग ही है। पैंजिम में मोस्टली हम लोग स्टे नहीं करते हैं, वन डे टूर करते हैं और कोई कोई स्टे भी करते हैं। मैं तो बहुत प्लान कर रही हूँ, नेक्स्ट टाइम जब मैं पैंजिम रहूँगी आऊँगी तो मैं पैंजिम में ज़रूर रहूँगी, क्योंकि दिस प्लेस हैज़ टू ऑफर्ड अ लॉट। दिस इज़ नॉट द टिपिकल सॉर्ट ऑफ गोवा जहाँ पे आपको पब्स मिलेंगे, बट यहाँ पे कुछ आइकॉनिक एंड लेजेंडरी प्लेसेस हैं। जब आप पैंजिम आते हो तो इस जगह को ज़रूर आप ट्राई करें। दिस प्लेसेस आर माइंड ब्लोइंग। मेरे पर्सनल फेवरेट्स ये जगह हैं। मैं जब भी गोवा आती हूँ, पैंजिम जब क्रॉस करती हूँ, तो मैं यहाँ पे तो ज़रूर खाना खा के जाती हूँ। तो मैं आज मेरा सीक्रेट्स आपको शेयर कर रही हूँ, मेरी फेवरेट लिस्ट आपको शेयर कर रही हूँ। आई होप आपको ये जगह अच्छे लगेंगे, तो देखते रहिए मेरे साथ इस वीडियो को। पैंजिम की पैंजिम एक फैसिनेटिंग डेस्टिनेशन है एक्सप्लोर करने के लिए। यहाँ पे आपको गोवन कल्चर, मार्केट्स, ईटरी, पॉपुलर लैंडमार्क्स कवर जरूर करनी चाहिए। लाइक फाउंटेन हैश, एक लैटिन क्वार्टर्स जो एक नेबरहुड है, बहुत ही सुंदर एंड इंस्टाग्रामेबल है ये जगह। एक दिन आप जरूर पैंजिम को एटलीस्ट टाइम दे टू एक्सप्लोर द लेन्स ऑफ दिस ब्यूटिफुल स्ट्रीट। बिसाइड द ऑब्वियस अट्रैक्शन, simply strolling around the city allows you to absorb the infectious atmosphere of this warm and welcoming state. Panjim is diverse and exciting destination. From the old unknown chapels to famous touristy churches, aap easily Panjim ko ek din mein explore kar sakte hain. I really love the vibe of this place. People are warm and welcoming and fun. If you like watching our videos, a subscribe to the channel will be so awesome for me. And even you can follow us on Instagram @tipsybongtravelers. चलिए मैं आज आपको मेरी सबसे फेवरेट कैफेज, पब्स, रेस्टोरेंट्स ले चलती हूँ। As I have said earlier, Panjim has to offer a lot, but आज मैं मेरी पर्सनल फेवरेट ईटिंग joints आपको दिखाऊंगी। मैं सुबह सुबह लेकर आई हूँ मेरी फेवरेट कैफ़े कॉल्ड कैफ़े अल्फ्रेस्को बाय बोडेगा। व्हेनेवर आई कम टू गोवा एंड क्रॉस पैंजिम, आई ट्राई टू विजिट दिस प्लेस एटलीस्ट वंस। लोकेशन इज एल्टिनो पैंजिम। टाइमिंग सुबह 10 बजे से लेके शाम के 6:30 बजे तक। संडे ये क्लोज रहती है। दिस प्लेस इज सेट इन द कोर्टयार्ड ऑफ सुना पड़ंता आर्ट गैलरी इन एल्टिनो। कैफे बोडेगा मशहूर है अपने स्पेशलाइज ब्रेकफास्ट के लिए एंड लाइट ईट्स के लिए। ये कैफे एक बहुत ही ब्यूटीफुल पोर्तुगीज बंगलो में है, ब्राइट ब्लू इन कलर। इस बंगलो के अंदर आर्ट गैलरी भी है, विच यू कैन ऑल्सो विजिट इफ आर्ट इज योर कप ऑफ टी। एक्सप्लोर गोवाज क्रिएटिव साइड एज यू कैन वॉक थ्रू दिस आर्ट गैलरी। ऑल द पीपल हु लव्स टेकिंग पिक्चर्स, मेकिंग रील्स, ये कैफे बहुत ही इंस्टाग्रामेबल है गाइज। एवरी कॉर्नर इज सो ब्यूटिफुल। While Panjim have some of the finest options when it comes to food, Cafe Bodega is certainly on the top list for its breakfast, pastries, pizzas and light bites. मैंने first order किया है Goan chorizo omelette, which comes with their in-house baked sourdough. Trust me guys, I just love the way they present their food and the taste is equally amazing. Next हमने try किया chicken quiche, no complaints at all, बहुत ही अच्छी है। एंड लास्टली मैं ऑर्डर की माय फेवरेट ब्रेकफास्ट ऑफ कैफे बोडेगा, वो है टर्किश एग, आल्सो कम्स विद सावरडो। आई जस्ट लव देयर टर्किश ब्रेकफास्ट, इट्स अ मस्ट ट्राई ओवर हियर। 10 out of 10 इस डिश के लिए। एंड फॉर ड्रिंक्स हमने ऑर्डर किया वियतनामीज कोल्ड कॉफी, विच इज आल्सो वेरी गुड। There are endless reasons to be here, from hopping over to grab a cup of coffee or reading a book in peace and quiet, or for their amazing breakfast. Cafe Bodega
आपकी बकेट लिस्ट में होनी ही चाहिए। अभी नेक्स्ट मैं आपको लेकर आई हूँ गोवा की एक्चुअल वाइब फील करवाने। स्ट्रोलिंग इन द लेन्स ऑफ गोम्स परेरा रोड, ये कलरफुल बिल्डिंग के पीछे आपको एक क्यूट स्मॉल ओल्ड स्कूल काइंड ऑफ बार मिलेगी, विच इज कॉल्ड जोसेफ बार। ये आइकॉनिक एंड लेजेंडरी बार फाउंटेन हैश की लैटिन क्वार्टर्स में है एंड हैज बीन सर्विंग गुड बूज एंड फूड फ्रॉम 1970s। यहाँ पे लोकल्स मोस्टली प्रेफर करते हैं चिल करना एंड समटाइम्स टूरिस्ट लाइक अस यहाँ पे आते हैं। दिस इज अ रस्टिक ओल्ड स्कूल एंड वेरी रॉ काइंड ऑफ बार विथ मिनिमल सिटिंग अरेंजमेंट्स। कभी कभी यहाँ टेबल पाना भी बहुत मुश्किल हो जाती है, समटाइम्स यू हैव टू शेयर अ टेबल विथ समवन। ये इंटीरियर माइट रिमाइंड यू ऑफ सम काइंड ऑफ काउबॉय मूवी सेट। यहाँ पे एंटीक क्लॉक कलेक्शन भी आप देख सकते हैं बिकॉज ये पहले एक घड़ी की दुकान हुआ करती थी। यहाँ की यूएसपी है यहाँ की वार्म एंड फ्रेंडली स्टाफ एंड द एम्बियंस। ये रहा उनका शॉर्ट एंड सिंपल मेन्यू, काइंडली पॉज करके देख ले। जोसेफ बार पॉपुलर है उनके इन हाउस ड्रिंक्स के लिए, विच इज कॉल्ड तांबड़े रोजा, जो कोकम रोज एंड फेनी से बनती है, विच इज अ मस्ट ट्राई ओवर हियर। हमने फेमस तांबड़े रोजा और गोअन सॉसेज विद पोई ऑर्डर किया है एंड दिस इज अ परफेक्ट कॉम्बो ऑफ फूड एंड ड्रिंक्स विच आई एंजॉय थर्डली। यहाँ पे आपको हैवी फूड नहीं मिलेगी, स्मॉल लाइट स्टार्टर्स होममेड लोकल शेफ यहाँ पे सप्लाई करते हैं, वही यहाँ पे आपको सर्व होगी। और आप जब आइएगा यहाँ के बारटेंडर से आपकी जरूर मुलाकात होगी। दे आर डिलाइटफुल पर्सन हु आर वेरी एफिशिएंट इन देयर वर्क। बहुत ही बजट फ्रेंडली प्लेस है एंड आइकॉनिक प्लेस दैट यू मस्ट नॉट मिस व्हाई यू कम हियर। एक बार एक्सपीरियंस जरूर करनी चाहिए। After the amazing time in Joseph Bar, let's head to Bombil. Location just opposite Military Hospital in Panjim. एक छोटी सी रेस्टोरेंट जो ट्रेडिशनल होम स्टाइल गोअन फूड सर्व करती है। इनकी गोअन थाली बहुत ही मशहूर है। This place has a old Goan vibe. Background music में गोवा के मशहूर गाने सुन के आपको मजा ही आ जाएगा and it just lifts your mood. This place is small but always filled with crowd. कभी कभार वेटिंग भी हो जाती है और ये जगह बहुत ही वाइब्रेंट है। प्रो टिप, इनके लंच थाली इतनी फेमस है कि समटाइम्स दे गेट आउट ऑफ स्टॉक, सो टाइम में आना यहाँ पे जरूरी है। इवन इनके टेबल इस रेस्टोरेंट के तरह इनोवेटिव है। एज यू कैन सी टेबल में बोर्ड गेम्स है, आप चाहे तो बोर्ड गेम्स का भी मजा ले सकते हैं। आई एम हंग्री नाउ, लेट्स ऑर्डर सम फूड। फर्स्ट हमने ऑर्डर किया कोकम शरबत, विच इज रियली रियली गुड फॉर दिस वेदर। देन हमने बॉम्बिल रवा फ्राई ऑर्डर किया एंड इट वॉज सो गुड, बहुत ही टेस्टी रवा फ्राई। देन हमने ऑर्डर किया उनका फेमस फिश थाली, जिनकी बहुत सारी वेरिएंट्स है। हमने मोत्सो फिश थाली मंगवाया, साथ में यहाँ पे अनलिमिटेड राइस एंड ग्रेवी वो प्रोवाइड करते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रेवी, प्रॉन करी, सैलड, सब्जी, मसल्स, पिकल पापड़, फिश रवा फ्राई, ये एक कंप्लीट मील पैकेज है, बहुत ही फीलिंग एंड बहुत ही टेस्टी। आई हाईली रिकमेंड यू गाइज टू कम टू बॉम्बिल एटलीस्ट फॉर देयर होम स्टाइल गोअन फूड एक्सपीरियंस। अगर आपको बॉम्बिल के बाद आपकी पेट में फिर भी स्पेस है, देन यू मस्ट गो टू रिट्ज क्लासिक, वन ऑफ द फेमस आइकॉनिक सी फूड रेस्टोरेंट ऑफ पैंजिम। इनके बहुत सारे आउटलेट है गोवा में, बट मैं आपको सबसे पॉपुलर आउटलेट में आज लेकर आई हूँ। रिट्ज क्लासिक इज सर्विंग देयर डिलीशियस फूड फ्रॉम 1976। ये रिट्ज क्लासिक की सेकेंड आउटलेट है जो 2002 में ओपन हुई है। ये जगह हमेशा बिजी होती है बट देयर सर्विस इज वेरी फास्ट। व्हेन आई एम इन गोवा, एक दिन रिट्ज क्लासिक में लंच तो मेरे लिए मैंडेटरी है। ये है उनका मेन्यू, काइंडली पॉज करके देख ले। इफ यू आर लाइकिंग दिस वीडियो, अ सब्सक्राइब टू द चैनल विल श्योरली ब्रिंग अ स्माइल टू माई फेस एंड आई बटन में जरूर चेक कर सकते हैं मेरी दूसरी फूड टूर को। फर्स्ट मैंने ऑर्डर किया बटर गार्लिक कैलामारी। आई रियली डोंट थिंक इससे अच्छी फ्रेश
सी फूड और टेस्टी कैलामारी पेंजिम में कहीं और मिलेगी। फिर ऑर्डर किए चोनक मसाला फ्राई, बहुत ही मज़ेदार एंड बहुत ही टेस्टी डिश है ये। नेक्स्ट ऑर्डर किए स्क्विड रवा फ्राई, 10 out of 10, बहुत ही फ्रेश एंड बहुत ही टेस्टी थी। लास्ट एंड फाइनल ऑर्डर किए रिट्स क्लासिक की फेमस फिश थाली, विच कम्स विद होल लॉट ऑफ थिंग्स लाइक फिश ग्रेवी, किंग फिश रवा फ्राई, प्रॉन सुखता, देयर मसल्स, देयर प्रॉन किसमूर, अम्बोतिक, कोकम करी, हुमन जो एक प्रॉन करी है, डेजर्ट में सवई, राइस, पापड़, विच इज माई फेवरेट काइंड ऑफ कम्प्लीट मील। ये सुपर टेस्टी एंड सुपर फिलिंग होती है एंड इस क्वांटिटी में आराम से 2 लोग खा सकते हैं। आई होप आपको ये पेंजिम की छोटी सी फूड टूर अच्छी लगी होगी, क्योंकि पेंजिम में बहुत सारी जगह है बट ये जगह ना काफ़ी अच्छी है। मतलब रिव्यूज़ के थ्रू या फिर द लेजेंडरी आउटलेट्स, आप जो भी ब्लॉग्स पढ़े, यहाँ पे ये जगह है ही है। अगर आप पेंजिम आते हैं तो मेरे तरह इस जगह को ज़रूर ट्राई करें, क्योंकि ये जगह काफ़ी यमी है, बहुत ही टेस्टी खाने यहाँ पे सर्व होते हैं एंड द बेस्ट पार्ट इज दिस प्लेसेस आर वेरी अफोर्डेबल। तो ठीक है, इस वीडियो को मैं इतना ही रखती हूँ, ज़्यादा खींचूँगी नहीं, फिर मैं बीच में आपको टोकूंगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो ज़रूर इस वीडियो को एक लाइक एंड सब्सक्राइब करें, मेरे लिए ये काफ़ी मोटिवेटिंग होती है। और शायद मैं नेक्स्ट एक पेंजिम की एक बड़ी सी फूड टूर बनाऊं, जहाँ पे आपको टोटल कवर करके मैं दिखा सकती हूँ। टिल देन बाय, टेक केयर।